हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तोरई की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही डिलीशियस बनती है, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। सबसे खास बात ये है कि इसमें हमने बहुत ही कम तेल मसालों का इस्तेमाल किया है और ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसे रोटी के साथ, पूड़ी के साथ या फिर पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनती है, क्विक रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया। इसे बनाने के लिए देखिए, हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई के गर्म होने के बाद इसमें हमने करीब 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें हमने डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना। मैं जिस भी चीज़ का तड़का लगा रही हूँ उसमें से किसी भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है, तभी यह सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो मेथी के तड़क जाने के बाद इसमें हमने डाल दिया है 1/2 चम्मच सरसों दाना, 1 चम्मच सौंफ, साबुत सौंफ, 1 छोटा चम्मच हमने डाल दिया है जीरा। सभी चीज़ों को थोड़ा सा चटक जाने देंगे। इसके बाद इसमें हमने डाल दिया है बारीक कटी हुई 3-4 हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कटी हुई प्याज। तो इसमें हमने 1 बड़े साइज का प्याज लिया था, उसे बारीक कट कर लिया है। और जो तोरई हमने लिया है वो 1 किलो है, उसी के अकॉर्डिंग हमने हर चीज़ डाला है। तो आप इसी तरह से बनाइएगा, यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। यकीन मानिए, जो तोरई को बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते हैं वो भी मांग मांग कर खाएंगे ये सब्जी को। प्याज को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही फ्राई करना है। इसके बाद इसमें हमने डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे थोड़ा, इसे बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। इसके बाद इसमें हमने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। इस मसालों को मिक्स करेंगे तेल में। इसके बाद हमने ये तरोई को देखिए छील के इस तरह से मीडियम साइज के पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे आप राउंड में भी कट कर सकते हैं, जैसे पसंद हो आप इसे कट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं कट करना है, मीडियम साइज में ही कट करना है। तो इसे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने मूंगफली के दाने का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन कब और कैसे करना है आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ मूंगफली का दाना हमें इसमें कैसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसमें हमने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 1 छोटा चम्मच हमने डाला है आमचूर पाउडर। अगर आप सब्जी में टमाटर डाल रहे हैं तो फिर अमचूर पाउडर को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो फिर सब्ज़ी खट्टा हो जाएगा। और हमने जो अमचूर पाउडर डाला है उससे सब्ज़ी बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी, बस इसका सब टेस्ट बढ़ जाएगा, इतना ही हमने डाला है। इसके बाद हमने 1 छोटी कटोरी इसमें पानी डाल दिया, करीब 4 से 5 चम्मच पानी। इससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि तरोई से पानी अभी खुद ही रिलीज होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा ही पानी डाला है। सब्ज़ी को हमें हल्की ग्रेवी वाली बनानी, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है। पानी हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। इसके बाद इसे 5 से 7 मिनट तक ढक देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए अभी इसमें कितना पानी दिखने लगा, तरोई ने अपना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसमें हम ऐड करेंगे मूंगफली का दाना। तो देखिए यहाँ पर हमने मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर इसका छिलका हटा के इसे हमने दरदरा पीस लिया है। इसका हमें कोई फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। तो इसे हम नॉर्मल चम्मच जो खाने में यूज करते हैं उससे हम भर भर के 4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली के दाने के पाउडर को। आपको पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर कम, लेकिन हमने इसमें 4 चम्मच डाला है और तरोई हमने लिया था 1 किलो, तो उसे उसके हिसाब से हमने डाला है। तो आप जैसे चाहें इसे बना सकते हैं, थोड़ा सा कम या ज़्यादा डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे। तो देखिए अभी सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, तरोई भी पूरी सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है इसमें। तो ऑलमोस्ट मेरी सब्जी बन चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया,
और इसमें अब हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, मेरी सब्जी बनके एकदम रेडी है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है हमारे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसे हम ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए सब्जी हमारी सुपर टेस्टी डिलीशियस सब्जी बनके रेडी है फ्रेंड्स। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।